हेलो क्रिएटिव पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंकिता और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली रेजिन फोटो फ्रेम। गाइस, सबसे पहले तो मेरे ये जो गंदे हाथ है इसको थोड़ा सा इग्नोर करना आप वीडियो देखते टाइम, क्योंकि कुछ टाइम से मैं रेजिन का ही प्रोजेक्ट बना रही हूँ विदाउट ग्लोव्स, तो मेरे हाथ का कुछ हालत ऐसा है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ले लेंगे मोल्ड जिसका साइज है 12x9 inches और उसको क्लीन कर लेंगे। वो अगर क्लीन दिखता भी है तो फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रह जाता है, तो हमको टेप की मदद से इस तरह से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा डस्ट निकला है यहाँ से। इस फ्रेम को बनाने के लिए मैं 3:1 वाला रेजिन ले रही हूँ, जिसमें कि हमको 3 पार्ट मिलाना होता है रेजिन और 1 भाग मिलाना होता है हार्डनर। ओके, तो फर्स्ट लेयर के लिए मैं टोटल 300 ml रेजिन यूज करूंगी, जिसका मतलब 225 ml ऑफ रेजिन लिक्विड और 75 ml ऑफ हार्डनर, और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से मिलाना है। अगर आपका रेजिन अच्छे से मिक्स ना हो तो आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। हमारा फ्रेम पर्ल व्हाइट कलर में बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे पर्ल व्हाइट माइका पाउडर ले रही हूँ और गोल्डन फ्लेक। तो रेजिन का जो मिक्सर हमने बनाया था उसमें से थोड़ा सा मैं एक अलग से कप में डालूंगी और जिसमें मैं गोल्डन फॉयल ऐड करने वाली हूँ, और बाकी जो रेस्ट रेजिन लिक्विड है हमारा उसमें हम पर्ल व्हाइट कलर मिक्स कर देंगे। माइका पाउडर जब मिलाएंगे बहुत अच्छे से हमको 2 से 3 मिनट तक इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में रहता है तो लम्स बनने का चांसेस है। जैसे कि हमने फ्रेम के डिजाइन में देखा था कि दोनों कॉर्नर में हमको गोल्डन फॉयल वाला मिक्सर डालना है और बीच में हमको व्हाइट कलर का रेजिन डालना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लोटर्स टू रिमूव द बबल्स। एंड बबल रिमूव करने के बाद इसको हमें सेट होने के लिए रख देना है 24 आवर तक। तो 24 आवर हो चुका है और हमारा रेजिन भी एकदम क्योर हो चुका है, तो अभी बारी है इसमें सेकेंड लेयर अप्लाई करने की। ये 2 3D फ्लावर मोल्ड मेरे पास थे, तो इसको यूज करके मैं बहुत सारी फ्लावर ऑलरेडी बना चुकी थी। अगर आपको 3D फ्लावर बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। अभी हम फोटो प्लेस करेंगे बीच में और पहले देख लेते हैं कि फ्लावर को हमें किस तरह से अरेंज करना है। तो इस तरह से हम लोग अरेंज करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे 26,000 ग्लू का यूज करके पहले मैं चिपका रही हूँ।
आप पहले पोर करके फिर आप ये सब कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, रेजिन आप एक बार पोर करोगे तो सारा जो एलिमेंट जो भी आप ऐड किए हो वो थोड़ा सा मूव करने लगता है और इसको बार बार सेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप ग्लू का अप्लाई करके इसको पहले चिपका लो। फोटो को पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज कर रही हूँ और तुरंत बाद हमको पोर नहीं करना है ग्लू लगाने के बाद। इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देना है, फिर हमको इसका सेकेंड लेयर अप्लाई करना है। फोटो और फ्लावर्स को पेस्ट करने के 5 मिनट बाद हमको सेकेंड लेयर अप्लाई करना है और सेकेंड लेयर के लिए मैं 120 ml टोटल रेजिन ली हूँ, जिसका मतलब है कि 90 ml ऑफ रेजिन और 30 ml ऑफ हार्डनर। तो इसका मतलब है हमको 9x12 इंचेस वाली रेजिन फ्रेम बनाने के लिए इन टोटल 420 ml रेजिन चाहिए, जिसके फर्स्ट लेयर में हम 300 ml रेजिन पोर करेंगे और सेकेंड लेयर के लिए हम 120 ml रेजिन लेंगे। और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन चिप्स और व्हाइट पर्ल का यूज किया है और इसके बाद हमें इसको 48 आवर के लिए, जिसका मतलब है 2 डेज टोटल रखना पड़ेगा इसको क्योर होने के लिए। और सारे रेजिन का जो क्योर टाइम है वो अलग अलग होता है, तो मे बी आप जो रेजिन यूज करोगे तो उसका क्योर टाइम अलग हो सकता है। फाइनली 48 आवर हो चुका है और हमारा ब्यूटीफुल रेजिन फ्रेम बनकर रेडी है और इसको हम अभी डिमोल्ड कर लेंगे। और इसको और थोड़ा सा इसका ब्यूटी को एनहांस करने के लिए मैंने डेको मार्कर लिया था गोल्डन कलर वाला और इसका जो आउटलाइन ड्रॉ कर दिया था सारे 3D फ्लावर्स में और उसके सारे एजेस में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।